अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अयूब टीवी चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द टी टेस्ट इन अ पीएस स्टाइल टेबल फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे टी टेस्ट को पहले से अप्लाई किया हुआ है। मैंने पहले भी बताया मेन्यू बार में से एनालिसिस मेन्यू कंपेयर मीन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, और ये मैंने जो स्टडी वेरिएबल्स हैं उनको हाईलाइट करके टेस्ट वेरिएबल की विंडो में लाया हुआ है। और जो मेरा डेमोग्राफिक वेरिएबल जेंडर था, जो अनरिलेटेड टू ग्रुप्स मींस का कंपैरिजन करने के लिए, मैंने इसको भी यहाँ पे लाया हुआ है। और इनको मैंने वैल्यू साइन वन और टू की है, और मैंने ये इसका एनालिसिस पहले से किया हुआ। अब जो हम APS स्टाइल में जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, या टेबल में लेने के लिए हम मीन और SD लेते हैं। तो अगर हम देखें एकेडेमिक परफॉर्मेंस फीमेल्स में कम है और मेल का मीन जो है वो 2.57 है, मीन्स के हायर है मेल्स की एकेडेमिक परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि इनकी मीन वैल्यू बता रही है। जिसका मीन वैल्यू हायर है उसमें एकेडेमिक परफॉर्मेंस हायर है, या उसमें जो हम स्टडी करैक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स है पार्टिसिपेंट की, वो उसमें हायर होती है, या वो इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल होता है। अब एकेडेमिक परफॉर्मेंस जो है वो मोर हायर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल फॉर द फीमेल मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस है, तो वो भी हम देखें तो मेल्स में हायर है, क्योंकि मेल्स का जो मीन वैल्यू है वो 2.5714 है, जबकि फीमेल की 1.700 है। इसी तरह से SD में भी डिफरेंस है, और जब मीन वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है तो SD कम होता है, और जब मीन वैल्यू कम होती है तो SD थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर नीचे आप हमारे पास टू टेबल्स हैं, ग्रुप स्टैटिस्टिक जिसमें से हम सिर्फ मीन और SD लेते हैं APS स्टाइल में टेबल बनाते हुए, और एकेडेमिक परफॉर्मेंस और स्टूडेंट कॉन्फिडेंस दो हमारे स्टडी वेरिएबल्स हैं। और स्टूडेंट कॉन्फिडेंस और एकेडेमिक परफॉर्मेंस, इनका आपस में रिलेशनशिप है, और मेल और फीमेल के डिफरेंस से हम इसको देख रहे हैं। कंपैरिजन दो ग्रुप्स का, अनरिलेटेड ग्रुप्स के मींस का कंपैरिजन करने के लिए। अब आपके पास नीचे टेबल इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट टेबल है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस अगर ग्रेटर है तो हम ऊपर वाली जो रो है इससे अपना रिक्वायर्ड डेटा जो APA में लिखते हैं, DF लिखते हैं, फिर हम T लिखते हैं, सिग्निफिकेंस लिखते हैं, ये इसकी बेस पर हम ये देखते हैं कि हमने ऊपर वाली रो से वैल्यूज़ लेनी है या नीचे वाली से। और इसको ये जो टू डेल सिग्निफिकेंस है, ये हमारा P है, प्रोबेबिलिटी है, अल्फा है, इसकी बेस के ऊपर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट है ये शो करते हैं। अब अगर हमारा ये जो सिग्निफिकेंट टू टेल है अल्फा से कम है 0.001 से, तो मींस के सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, कम है। नीचे हम देख लें तो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस भी मेल और फीमेल में जो है उसकी सिग्निफिकेंट भी 0.012 है, मीन्स के ये भी अल्फा से कम है, इसलिए अल्फा जो हमारा है 0.001 भी होता है 0.001 भी, तो ये 0.012 है, तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ अ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस जेंडर वाइज। मेल और फीमेल में इसमें डिफरेंस है, मेल में हायर है और फीमेल में लोअर है। अब टी की वैल्यू ऊपर वाली हम लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर है, अगर ये लेसर हो तो नीचे वाली लें। फिर हम जो टी है पी है वो भी ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाली नहीं लेंगे। अगर वो ये सिग्निफिकेंट लोअर होता अल्फा से तो फिर हम नीचे वाली लेते। फिर हमने आगे जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से अपर और लोअर लिमिट लेनी है वो भी ऊपर वाली लेंगे। अगर ये हमारे अल्फा से लोअर होता तो फिर हम नीचे वाली लेते, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अब यहाँ पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंस पॉइंट, जो सिग्निफिकेंस है फर्स्ट वाली ये 0.589 है, मींस के ये अल्फा से ग्रेटर है,
तो इसलिए हम ऊपर वाली ही वैल्यूज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल से ये अपर लोअर लिमिट भी लेंगे और सिग्निफिकेंस भी या पी भी ये ही लेंगे, ओ टी वैल्यू भी ये लेंगे, नीचे वाली नीचे रो नीचे की जो रो है उसमें से नहीं लेंगे।